आज बताते हैं कि ICDS द्वारा पोषाहार प्राप्त करने के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिसका टोकन लाभुक के खाते में नहीं आया, मोबाइल से पर नहीं आया है, तो कैसे प्राप्त करते हैं वो आज बता रहे हैं। ये साइट है ICDS ऑनलाइन bis.nic.in। इसके बाद खुलेगा हम लोग का आंगन, यहाँ आंगन पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद खुलेगा बिहार अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी में पहले से निबंधित लाभुकों को कोरोना वायरस से संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली गर्म पका भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा एक टोकन प्राप्त करने हेतु, यहाँ क्लिक करें। तो इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को मांगेगा क्या, लाभुक का आधार मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा। फिर जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने पासवर्ड 4 अंक का डाला है वही यहाँ पे डालना होगा। फिर नीचे दिख रहा है ऊपर दिखाए गए कोड को दर्ज करें, यही दर्ज करना है। सुरक्षा के लिए हम किसी का आधार नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे हमने ऊपर डाल दिया है मोबाइल नंबर और आधार नंबर, फिर नीचे डाले हैं पासवर्ड, फिर कैप्चर। अब इसको करेंगे हम लॉगिन। लॉगिन करने के साथ ही खुल जाएगा लाभुक का निजी पेज। उस पेज में जाएंगे, ऊपर लिखा है बेनिफिशियरी नेम, जेंडर, ईयर, बर्थ, सब कुछ है इसमें। यहीं पे बगल में मिलेगा आपको बेनिफिशियरी आईडी और टोकन। इसी टोकन को लेंगे, 5 अंक का लिखा है बेनिफिशियरी आईडी, उसी के नीचे लिखा है टोकन। इस टोकन को लेंगे, दो एक रजिस्ट्रेशन में अगर दो लाभुक को रजिस्ट्रेशन किया गया है तो दोनों के लिए देखिए अलग अलग टोकन दिया हुआ है। अलग अलग टोकन से हम लोग अलग अलग पोषाहार लेंगे। ये टोकन लाभुक के मोबाइल पे पहले से भी आया होगा, नहीं आता है उस कंडीशन में ये है कि यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं नया टोकन अपना। धन्यवाद।